बिजली की कटाई तुरंत रोक दी जानी चाहिए और बिजली की दरें कम कर दी जानी चाहिए। इसके लिए जय विदर्भ पार्टी सेंट्रल नागपुर के अध्यक्ष नरेश निमजे के नेतृत्व में विज मार्च का आयोजन किया गया। शिवाजी नगर गेट से भूतेश्वर नगर, नंदजी नगर, मणिपुर, चिटनिसपुर, तुलसीबाग पावर हाउस नारेबाजी करते हुए विद्युत मार्च पहुंचा। वहां बिजलीघर के सामने बिजली के बिल जलाए गए। इस समय तुरंत बिजली काटना बंद करे, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री पाए, जिसके बाद की दरों को कम किया जाए। वीज विदर्भ का अधिकार, हम बिजली बिल पर सरचार्ज नहीं भरेंगे। दिल्ली में सस्ती है बिजली, लेकिन विदर्भ की जनता है त्रस्त। पृथक विदर्भ होना चाहिए, लेके रहेंगे। साथ ही जय विदर्भ के नारे लगाए गए। विज मार्च को जय विदर्भ पार्टी के अध्यक्ष अरुण केदार, उपाध्यक्ष मुकेश मासूरकर, महासचिव विष्णु आश्रीकर, गुलाब राव धांडे, सुधा पावड़े, सुनीता येर ने, त्याता साहेब मते, मोरेश्वर बनकर, श्रावण हेड़ाऊ समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। कोरोना के समय में हमने बिजली के ऊपर बहुत से मार्च निकाले और बिजली बिल हमारी जनता के ये पूरे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि विदर्भ में बिजली तैयार होती है, उसके लिए जमीन हमारी गई, संसाधन हमारे लगे, प्रदूषण भी हम भोगते हैं। ऊपर से जो कारखाने वो पश्चिम महाराष्ट्र में, यहाँ की जनता का वारंवार शोषण किया जा रहा है। और आज जो यहाँ हमने मार्च निकाला, नरेश निंदे इनके नेतृत्व में मार्च है, अरुण भाव केदार इनके नेतृत्व में मार्च है, क्योंकि जनता के अभी हम इस समय देख रहे हैं 4-5 दिन से विदर्भ की जनता के साथ साथ आपके जो शिवाजी नगर के भाग की जनता के बिजली के कनेक्शन ताबड़तोब काटे जा रहे हैं। यहाँ अगर 500 रुपये का बिजली का बिल है किसी का तो किसानों का आंदोलन जो दिल्ली में हुआ वो आंदोलन 1.5 साल चला सर। ये लोग जो अपन सत्याग्रह करते गांधीवादी तत्वों पर, उनकी ये भाषा समझते नहीं। हम बहुत से बार जो सत्याग्रह करना है जिसमें कोई भी जनता की हानि न हो, किसी की कोई प्रॉपर्टी की हानि न हो, इसको मकसद रखते हुए जनता पे ही इशू जाना चाहिए। इस हिसाब से हम ये आंदोलन करते रहते। अब इनके काम ऐसे रहते कि जो किसानों के 3 बिल फीचर है, जो बिल अपर और लोअर हाउस में इसका ठहराव पास हो गया था वो बिल इन्होंने पीछे लिए, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने उस पर सिग्नेचर की थी वो भी पीछे लिए। ये सरकार अगर ज़्यादा संख्या में रही तो वो कुछ भी कर सकती, ये उन्होंने बताया। अब जैसा लद्दाख है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश किया है, तो मुझे बताइए इसमें कौन सी मांग नहीं थी, कुछ नहीं थी, 108 साल चलती।